व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखेंगे रियान पराग बॉलिंग, कामिंदु मेंडिस बॉलिंग बोथ हैंड्स। ओ भैया, कल का मैच था मस्त मजेदार, मीम्स आ चुके, तने भाई लेके आए, तो करेंगे साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। ओहो, जीत गए भाइयों, हम लोग जीत गए ओलंपिक्स में न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा के और श्रीलंका को 43 रन से हरा के। पर एक सेकेंड भाई, ये शिवम दुबे भाई कहाँ चले गए प्लेइंग 11 में से? पोस्टर में तो नजर आ रहे थे, बाद में नहीं दिखे ग्राउंड पर। हाँ भाई, ये चेन्नई सुपर किंग्स में कौन कौन थे? आउट ऋतुराज, आउट जड्डू, आउट शिवम दुबे। आपने भी बहुत माही माही किया है लास्ट आईपीएल में, आउट। हाँ भाई, माही के पर्सनल अंडरटेकर पथिराना, आउट। पर गौती भाई, मैं तो श्रीलंका से खेलता हूँ, हाँ फिर भी आउट। ये हो गया चेन्नई का हिसाब। आरसीबी वालों आ जाओ जरा लाइन में। सिराज आउट। अरे पर गौती भाई, श्रीलंका के अगेंस्ट तो खेलने दो मुझे। इंस्टा आईडी मोहम्मद सिराज ऑफिशियल। पूरे साल वेट करता हूँ मैं, कब श्रीलंका आएगी सामने। आप भले मुझे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बाहर कर देना। इंस्टा आईडी मोहम्मद सिराज ऑफिशियल। पहले बोल, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया है। अरे हाँ गौती भाई, नहीं जिताया एक छक्के ने वर्ल्ड कप, खेलने दो यार श्रीलंका के सामने। तो पाथिराना भी बहुत हरामी है भाई, उसने भी टाइम टू टाइम थाला फॉर अ रीजन की याद दिलाई गौतम गंभीर को। फर्स्ट मैच में 150 की स्पीड में बोल्ड मार दे रहा है। वो जब प्लेइंग 11 में उसका चेहरा देखा ना, ऐसे स्माइल करता हुआ, तभी उसके चेहरे से नजर आ रहा था कि 3-4 विकेट तो आज लेके जाऊंगा। अजीबोगरीब टैलेंट। ओके, एक तो भाई साहब कामिंदु मेंडिस ने 3 Idiots इतनी बार देख ली, वो वायरस के कैरेक्टर से ही इंस्पायर हो गया। भाई ने दोनों हाथों से बॉलिंग करना स्टार्ट कर दी मैच में। पंत को राइट आर्म स्पिन, सूर्या भाई को लेफ्ट आर्म स्पिन। माइंड को ऐसा ट्रेन किया था कि दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते थे। यस, कैसी बॉलिंग करेंगे आप? मैं पहली बॉल तो राइट आर्म स्पिन डालूंगा, दूसरी से पांचवी लेफ्ट आर्म स्पिन, और फिर लास्ट वाली फिर से राइट आर्म स्पिन। बहुत मजा आएगा। बकचोदी मत कर। नहीं, क्रिकेट चल रहा है या सर्कस चल रहा है? कभी राइट आर्म स्पिन, कभी लेफ्ट आर्म स्पिन, बस टांगों से स्पिन कराना रह गया इनका। हमारा तो सारा फोकस ही हिल गया इस मैच के बाद से। रात में बीवी से जाके पूछ रहे थे, डिनर उल्टे हाथों से बनाया या सीधे हाथों से? लेफ्ट वाला या राइट वाला? लेफ्ट सर, आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट? जैसे ही प्लेइंग 11 आई भाइयों, टीम इंडिया की फैंस ने दो जस्टिस की मांग की। जस्टिस फॉर संजू सैमसन और जस्टिस फॉर रियान पराग। जस्टिस फॉर सैमसन इसलिए कि संजू भाई को खिलाया क्यों नहीं, और जस्टिन फॉर रियान पराग इसलिए क्योंकि इसको क्यों खिला लिया। अरे भाई, इतना जस्टिस तो हमें चाहिए भी नहीं था जितना इंटरनेट पर हमारे फैंस मांगते रहते हैं। सही बात है भाई, बिना गद्दा लगाए जो संजू भाई ने फील्डिंग करी है उसके लिए जस्टिस तो होना ही चाहिए। बिना गद्दा लगाए ये ऊपर पाकिस्तान। फर्स्ट इनिंग तक सबको यही लगता रहा कि इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बाहर बैठा के रियान पराग को क्यों खिला लिया यार। पर सब लोग एक चीज भूल गए कि कोच कौन है। सूर्या भाई, हार्दिक भाई, सब ने बॉलिंग प्रैक्टिस करी, पर डेथ अवर स्पेशलिस्ट कोई और ही निकला। भाई ने 8 बॉलों में 3 विकेट ले लिए, और 2 विकेट लेने के बाद तो भाई साहब रियान पराग का कॉन्फिडेंस ही आसमान छू बैठा था। तुमने देखी होगी लास्ट बॉल, ऋतिक रोशन की छठी उंगली से जो बॉल घुमाई है भाई ने, यूं करके कौती भाई फाइनली स्माइल कर दिए। वही ठीक है सबके लिए, क्योंकि लास्ट वीडियो से तुमको पता ही होगा, क्योंकि गौती भाई अगर रिक्वेस्ट करने पर आ गए तो। वैसे मित्रों, हमारे 17K सब्सक्राइबर बच रहे थे 1 मिलियन में, अब केवल 14K बचे हैं, तो सब्सक्राइब का बटन तोड़ते रहना, उसमें कंजूसी मत करना। ऋषभ पंत भाई से याद आया, ऋषभ पंत भाई भी अपने अलग ही कैरेक्टर हैं। बॉल से दूर तो बैट मार देते हैं बैटिंग करते करते। कल तो कसम से एम्पायर को चक्कर ही आ गए होंगे मैच देखते देखते। कोई दोनों हाथ से बॉलिंग कर रहा है, कोई बॉल की जगह बैट से ही छक्का मार दे रहा है। पंत भाई ने 23 बॉलों तक तो बैट ही बैट घुमाया, क्योंकि बॉल तो टच हो ही नहीं रही थी बैट पे। और लास्ट के 10 बॉलों में पता नहीं क्या हुआ पंत भाई को, गौती भाई ने क्या रिक्वेस्ट करी ड्रेसिंग रूम से, डगआउट से, कि लास्ट के 10 बॉलों में 29 रन बना दिए पंत भाई ने। पाथिराना, रियान पराग। पाथिराना ने बोला मैं 95 डिग्री पर बॉलिंग डालूंगा, रियान पराग ने बोला मैं आंड के नीचे से ही निकाल दूंगा। इसका है रियान पराग, आज कचरा बॉलिंग करेगा। एक हमारे डेथ बॉलर स्पेशलिस्ट को कोई कचरा नहीं बोलेगा। गौतम गंभीर आफ्टर सीइंग 7 एंड 6। देखो भाई, ये सब मीम मत भेजा करो, गौती भाई वीडियो के अंदर आके मारेंगे कि ये सब मीम कैसे रख रहा है थाला फॉर अ रीजन वाले। मैनेजमेंट आएगी जाएगी, कप्तान बनेंगे बदलेंगे, लेकिन संजू सैमसन का इग्नोर होते रहना तय है। संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन जो चालू हुआ था भाई जैसे प्लेइंग 11 आई। कोच गौतम गंभीर एरा बिगन्स विद अ विन। गौती भाई ने कल हमको 4 सरप्राइजेस दिए थे, 4 बार हंस के। गंभीर रियलाइज्ड रियान पराग एंड शेन वॉन प्लेड फॉर राजस्थान रॉयल्स इन आईपीएल, सो डिसाइडेड टू टर्न पराग इनटू वॉन। गौती भाई, ऐसे देखा जाए तो सीएसके में तो मुरलीधरन थे, तो ऋतुराज गायकवाड़ भी एक ऑप्शन थे स्पिन के। सॉरी गौती भाई, सॉरी। संजू सैमसन इज नॉट जस्ट द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन इन इंडिया, बट द बेस्ट यंग बैट्समैन इन इंडिया। एनीवन अप फॉर डिबेट? गौतम गंभीर
मालिक भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। जसप्रीत बुमराह माय फेवरेट कैप्टन इज मी बिकॉज आई हैव कैप्टन अ फ्यू गेम्स। ऑब्वियसली देयर आर ग्रेट कैप्टन्स बट आई विल टेक माय नेम, आई एम माय फेवरेट कैप्टन। भाई बुमराह भाई को क्या हो गया एकदम से यार, बोलने लगे कि मैं भी कैप्टन बन सकता था। फास्ट बॉलर कैप्टन होते हैं, ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलर कैप्टन नहीं होते। एकदम से बात कैसे आ गई बुमराह भाई, क्रिकेट में जीत गए, हॉकी में भी। ओह कल का क्या सुपर सैटरडे था भाई, हॉकी में हम लोगों ने न्यूजीलैंड को हरा दिया। गंभीर भाई का पहला मैच, फिर दिल दो हॉकी को, इधर से उधर हो रहा था भैया आके। उधर वुमेन्स क्रिकेट में पैरी भी खेल रही थी तो वो मैच भी देखना पड़ रहा था। नो बॉल भाइयों, ये बॉल डली थी कल तमिलनाडु प्रीमियर लीग में। एक बार को मैं मान सकता हूँ कि बॉलर को लाइन नहीं दिख रही, पर बॉलर को बैट्समैन कैसे नहीं दिख रहा। बैट्समैन के आगे जाके बॉलिंग डाल रहा है, पहले अनन्या को बिगनी में बुलाओ फिर रन बनाऊंगा। सारा अली खान से हाई गर्मी पे डांस भी कराते रियान पराग भाई। रियान पराग बाकी सब तो उड़ गया, बस एटीट्यूड रह गया। ये फर्स्ट इनिंग के बाद कमी है दोस्तों। फिर तो रियान भाई ने जो चक्री चलाई हाथों से, दो तीन विकेट लेके सब बदल गया। मैं गौतम गंभीर शपथ लेता हूँ, एक भी सीएसके प्लेयर को आईसीटी में रहने नहीं दूंगा। गौती भाई अबे श्रीलंका वालों, तुम लोग ही अपनी तरफ से खिला लो मुझे। एक वो होता था ना यार कि ये वाला प्लेयर हमें दे दो गली क्रिकेट में, उस तरह से श्रीलंका बुला लेती तो संजू भाई को जस्टिस हो जाता काफी ज्यादा। ब्रो ऑलमोस्ट फोर्स्ड अस टू स्विच ऑफ द टीवी। ऋषभ भाई ने कल जो टेस्ट इनिंग्स खेली है, मुझे लग रहा था गौती भाई कहीं आधे मैच में पैड्स पहन के संजू सैमसन को ना पहुंचा दे बैटिंग। भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तबाही मचाते रहो, जिंदगी एंजॉय करते रहो। और मैच भैया आज फिर से मैच है, फिर से देख लेना, बैक टू बैक मैचेस है, ये भी ठीक लग रहा है मुझे। जीत गए तो फिर जीत ही जाएंगे, जीत जाएंगे यार। तुम ये डाउट कर इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर डाउट कर, क्रिकेट है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कौन किस लास्ट है? बॉल तक आज तो ये वर्ड बोल दे तुझे अनिश्चितताएं चिकताओं चिकताओं पूरा बोल अनिश्चितताओं। क्या बात है भाई साहब, ऐसे बोल, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। ओ भाई साहब क्या बात है, बोल सकती है क्योंकि लड़कियां ज्यादा बोलती है ना, ये साबित हो गया। बाकी कल का मैच भाई मस्त है, रियान पराग को रातों रात स्टार बना दिया है। मीम आ रहे थे नहीं, उनके लिए तो वो श्रीलंका के लिए तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। इसको बॉलिंग तीन विकेट, ये क्या हुआ है, इसके लिए तो प्रिपेयर नहीं थे। तभी वो हंस भी रहा होगा गौतम ना वहां पे, वो जी ऐसे गंभीर का, वो गंभीर के भाई मैं कहूंगा डिसीजन सही है वो, मतलब सब किसी को सही लगेगा, किसी को खिलाने किसी को कोई, लेकिन बेस्ट प्लेइंग 11 बनाना और फिर ये भी सोचना कि बीच में हम लेफ्टी बैट्समैन डाल देते हैं। संजू सैमसन की जगह इसलिए भी प्रेफरेंस क्या पता ऋषभ पंत को दे दी हो। और बाकी ऋषभ पंत ने शुरुआत जितनी धीमी करी अंत बढ़िया कर दिया था, ये बात तो है। और मैच अच्छा था, मैं तो कल फैन हो गया। मैं देखो टीवी पे चल नहीं पा रहा था, मैं फोन में देख रहा था, फोन में एक्सट्रीम प्ले पे देख रहा था, उसमें सोनी लिव मिल जाता ना फ्री में, तो उस पर भाई क्या क्वालिटी आ रही थी वर्ल्ड कप में, जितनी मतलब इतना अच्छा था उन्होंने पहले, एटलीस्ट जो यूएसए वाले मैचेस थे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे रहे थे कल की क्वालिटी। और फोन में तो 1080 60 FPS चल रही थी स्क्रीन, था स्मूथ लाइटिंग, क्या गजब मैच देखने को मिला यार कल, मैं खुश हो गया। मैंने कहा भैया यार अच्छा था एक्सट्रीम प्ले, चल वीडियो एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आंसर के साथ। फेवरेट मीम कमेंट करके जरूर बता देना, कहां से देख रहे हो ये भी बता देना। बाय बाय, टेक केयर।